देश में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं। खबरों के मुताबिक इनमें चार लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 लोगों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि इसमें चार लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और 5 उनके संपर्क में आए इनके रिश्तेदार हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 7 लोगों के कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में नाइजीरिया से आई महिला और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। वो नजदीकी पिपरी चिचवड़ इलाके में अपने भाई से मिलने आई हैं। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई हैं। पिछले महीने के आखिरी सप्ताह फिनलैंड से पुणे लौटे एक अन्य व्यक्ति के भी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।